लेंथी पढ़ लिए थे हम लोग। आज हम लोग बेसिकली देख रहे हैं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड तो हम लोग को पता है ना कि जो शेयरिंग के द्वारा बनता है। I said कोवेलेंट बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? share कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग के कारण, ये हम लोग को पता है कि नहीं पता है? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी तरह का एक और बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड। यदि कहीं पे सिंपली कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा हुआ तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया है, हम तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, देखो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे समझना चाहें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसी में एग्जिस्ट करेगा जिसमें एक एटम, मतलब इसमें देखो म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, जैसे हम बात करते हैं NH3 का, सिंपल यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का भी है या नहीं है? हाँ, लेकिन जब हम लोग यही चीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों का नहीं रहेगा, सिर्फ एक जन का रहेगा। किसका रहेगा? सिर्फ किसी एक एटम का रहने वाला है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो ए है मेरे पास और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो ए क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसी एक दूसरा एलिमेंट बी को मान लो दे दिया, तो ये जो अभी लिखा गया है वो तुम्हारा लिखा गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें यदि हम बात करते हैं ए का, ए क्या है हमारा डोनर एटम है, डोनर एटम मतलब जो डोनेट करने वाला है, और बी जो है वो क्या है, एक्सेप्टर है जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो तुम देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, ए ही का है ना, बी का तो नहीं है। लेकिन इस केस में देखो नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन था, तो शेयरिंग तो इसमें भी हो रहा है लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें है वो किसी एक एटम का है जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डोनर एटम, और बी जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टर एटम। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए इलेक्ट्रॉन दिया तो ए इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और बी इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो सेम इसी चीज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में बदल कर इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस और बी माइनस माइनस। तो समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, मतलब एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड ही है लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बिलोंग करता है, 2 एटम से बिलोंग नहीं करता है। इसमें हम लोग एरो लगाते हैं डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की ओर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन ये है, मतलब कौन डोनेट कर रहा है इसे हम लोग को ये पता चल जाता है कि ए डोनेट कर रहा है बी को। यदि एरो बी से ए की ओर रहता है तो हम क्या बोलते हैं, बी डोनेट कर रहा है ए को। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे पहले, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू ओनली वन एटम। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक एटम से बिलोंग कर रहा है
ठीक है, दिस बॉन्ड इज नोटेड बाय, या फिर इंडिकेटेड लिख लेते हैं, इंडिकेटेड बाय एन एरो, इसे इंडिकेट किया जा रहा है एरो से, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम्स, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा टाइप का बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम से बिलोंग करता है, और एरो का जो डायरेक्शन होता है वो डोनर से एक्सेप्टर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? डोनर से एक्सेप्टर की ओर। तो जब इस तरह लिख देगा तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, हम लोग को तो सिंपली लगेगा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंपली ऊपर में जब एरो रहता है तभी हम उसको बता पाते हैं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है? अल्तमस समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। सर देखो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सिंपली, सबको NH3 के बारे में अभी हम लोग देखें तो उसमें एक और स्ट्रक्चर ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन NH4+। तो NH4+ में क्या होता है, हम लोग को पता है कि NH3 तीन बॉन्ड बन गया इसका, और अभी हम लोग देखे थे कि नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो। देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा था। यहाँ पे देखो, दिख रहा है डायग्राम में? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा, NH3 था मेरे पास और H+ आया कहीं से, H+ H हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन जो था वो अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H+ को, किस के थ्रू, किस बॉन्ड के थ्रू देगा, यदि हम बात करते हैं तो वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके थ्रू देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देगा। समझ में आया? अब हमको पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जैसे देगा तो यहाँ पे देखना इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगा, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ध्यान देना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जैसे रिप्लेस करेंगे तो तुम सोचो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ रहा होगा, प्लस आ रहा होगा, और इस पे कैसा आ रहा होगा, माइनस होगा ना, इस पे आ रहा होगा प्लस और इस पे होगा माइनस। तो जो हाइड्रोजन पे पहले से प्लस था तो प्लस और माइनस मिलके बन जाएगा न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा तो हम लोग नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि NH4 था और उसके ऊपर एक चार्ज आ गया प्लस चार्ज, तो तुम्हारा जो NH4+ था वो इस तरह से बन गया। समझ में आया? यस सर। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो, आयनिक बॉन्ड भी हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो, तीनों बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए। कैसा कंपाउंड बताओ जिसमें कि तीनों बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए? तो इसका सिंपल एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं NH4Cl का, किसका दे सकते हैं, NH4Cl। देखो NH4Cl का क्यों दे सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा NH4+ का और Cl- का, आयनिक बॉन्ड हो गया। यहाँ पे आयनिक देखने को मिला कि नहीं देखने को मिला? मिला। अब NH4+ को देखो, NH4+ में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वाला तुमको हाइड्रोजन वाला तीनों जो दिख रहा था वो कैसा बॉन्ड था, कोवेलेंट, और ये दूसरा जो H आया उसमें कौन सा बॉन्ड आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें तीनों बॉन्ड अवेलेबल है वो कौन सा है, ऐसा बहुत सारा हो सकता है लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल NH4Cl का भी आता है।
समझ में आया? देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ही, ये हाइड्रोजन और बाकी जो तीनों हाइड्रोजन है तुम्हारा वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया और आयनिक बॉन्ड भी हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग से। अब आगे बढ़ सकते हैं। अब इसका क्या कंडीशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन शो करेगा, हमको कैसे पता चलेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे पता चलेगा कि क्या किसमें होता है और किसमें नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि एक लोन पेयर रहेगा और किसी दूसरा को डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी रहने वाला है। तो कंडीशन सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे लगाना है तो नेसेसरी कंडीशन लगा लो। नेसेसरी मतलब जो जरूरत है, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग क्या देखें कि जो डोनर एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर। डोनर एटम शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, एटलीस्ट वन लोन पेयर। और जो एक्सेप्टर एटम था, एक्सेप्ट जो कर रहा था, उसके पास क्या होना चाहिए, शुड हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल। तुम सोचो जो लोन पेयर दे रहा है उसका तो ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास वैकेंट खाली जगह होना चाहिए, तभी ना लोन पेयर ले पाएगा कि नहीं। जैसे कि हम बोले थे कि ए है और बी है, ए के पास लोन पेयर है और बी को उसे दे रहा है, तो बी कब ले पाएगा, जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होगा तभी ना ले पाएगा, और इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन, तभी हम बोल सकते हैं कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड मतलब कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सर, कोवेलेंट बॉन्ड। अरे वही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दोनों तो सेम ही है ना एक तरह से, ये कोऑर्डिनेट का स्पेशल केस है ना। स्पेशल केस है क्यों सर? अरे हम बोल रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसी का ना स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्ड का। हाँ। तो ये जो कंडीशन है वो किसका कंडीशन है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कंडीशन है ना, कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए और एक के पास क्या होना चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। अब हम लोग देखते हैं, देखो जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसको हम लोग को ड्रॉ कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस नाम का जो साइंटिस्ट था उसके नाम पर पड़ा है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ नाम बहुत डिफिकल्ट है, हम यदि बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ तरीका बताया गया है कि कैलकुलेट किस तरह से करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जाने सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसके पास नहीं जा रहा है।
सर सुनील भी है। क्यों ऐसे ही? तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लक्ष्मी अब आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने से पहले हम दो चीज पहले डिफाइन कर देते हैं, बता रहे हैं कि किसका किसका यूज होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा यूज होगा बॉन्ड पेयर और दूसरा यूज होगा लोन पेयर। पहले जान लो बॉन्ड पेयर होता क्या है। बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन में। क्या बोले? बॉन्ड पेयर किसको बोल रहे हैं हम लोग? बॉन्ड पेयर आर दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जब बन रहा था तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह आएगा तुम्हारे पास एक लोन पेयर। क्या आएगा? लोन पेयर हम लोग उसको बोलेंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे कि अभी हम लोग NH3 का एग्जांपल लिए थे, कोई नया एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, सिंपल वही एग्जांपल ले रहे हैं NH3 का। तो उसमें तुम ध्यान देना NH3 था हम लोग के पास, तो NH3 का बॉन्ड बना था नाइट्रोजन, तीन बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ, तीन हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे दो को इलेक्ट्रॉन बच गया था उसका। तो इसमें जो ये तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन बचा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोन पेयर, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं किया फॉर्मेशन में, ये पार्टिसिपेट नहीं किया। बोलेंगे लोन पेयर। बाकी ये सब जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर दिया यहाँ पे, ये सब को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर किसको बोलेंगे, लोन पेयर किसको बोलेंगे? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इसी तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, जो अभी ये स्ट्रक्चर दिखा हमको, इसी को हम लोग बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालने का हम लोग के पास कुछ तरीका है, अब वो तरीका क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो सबसे पहला बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ में आ गया, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है। जैसे कि सबसे पहला होता है N1, सबसे पहला हम लोग N1 को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? N1 को कैलकुलेट करेंगे। बात आता है कि N1 होगा क्या यहाँ पे, तो N1 होता है हम लोगों के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? जो आउटर मोस्ट सेल में रहता है इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर में रहता है, जो कहाँ रहता है? उसी को हम लोग बोल रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहना।
अब तुम सोचो, पहला तो ये हो गया N1, लेकिन इसमें और चीज रहता है, प्लस करना पड़ता है हम लोग के पास। यदि तुम्हारे पास कोई नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो प्लस नेगेटिव चार्ज इफ एनी, यदि कोई प्रेजेंट है, जैसे कि NH4+ था अभी, तो NH4+ का देखो, N1 यदि कैलकुलेट करना रहता तो नाइट्रोजन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में होता है 5, नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, तो 2 और 5 नाइट्रोजन का हो गया 5, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है। और उसके बाद बोला क्या जा रहा है, देखो प्लस नेगेटिव चार्ज इफ एनी, कोई नेगेटिव चार्ज इसमें नहीं है, क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बोलता है माइनस पॉजिटिव चार्ज इफ एनी। तो NH4+ का मान लो निकालना रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 5+1 × 4 − 1 कर देते, तो 5+4 − 1 हो जाता है, मतलब 8 हो जाता है। N1 का वैल्यू कितना हो जाता है इसके लिए, 8 हो जाता है। तो समझ में आया किस तरह से निकालना है N1? वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना एटम्स में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली, यदि हम बात करते हैं तो कि ऑल एटम्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले, और उसमें से प्लस करना है यदि कोई नेगेटिव चार्ज है, और माइनस करना है यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला काम हो गया हम लोग का N1 कैलकुलेट करना। कैसे N1 कैलकुलेट करें पता चला सबको? सर माइनस और प्लस क्या करना है? अरे यदि उसके ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है, यदि नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है, और यदि पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो माइनस करना है। जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना माइनस करना है, जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना प्लस करना है। जैसे NH4+ था तो प्लस चार्ज लिखा हुआ था, तो हम −1 किए, क्यों? क्योंकि प्लस में कितना चार्ज था, 1 चार्ज था, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो लिखा हुआ इफ एनी। दूसरा कैलकुलेट करते हैं हम लोग N2। अब N2 क्या होता है, तो N2 बराबर होता है हम लोग के पास 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यदि हाइड्रोजन एटम है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस 8 × नंबर ऑफ अदर एटम। यदि अदर एटम्स रहेगा तो उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, N2 निकल जाएगा। तो तीसरा हम लोग चीज निकालेंगे N3। N3 क्या होता है, N3 होता है N2 − N1, जो ऊपर में निकाले उसी को घटा देना है, N2 में से N1 को निकाल घटा के निकाल देना है। जो तुम्हारा N3 होगा उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब यदि इसका आधा कर देते हैं, हम N3 का हाफ कर देते हैं, N3/2 कर देते हैं, तो तुम सोचो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा था हमको, अब हमको क्या मिलेगा, बॉन्ड पेयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बॉन्ड पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N1 निकल गया, N2 निकल गया, N3 निकल गया। अब एक चीज बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, तो इसके बाद निकालेंगे हम लोग N4। क्या निकालेंगे इसके बाद? N4। अब N4 का यदि बात करें तो N4 कैसे निकलेगा, तो N4 बराबर होगा मेरे पास N1 − N3। देखो N1 क्यों कर रहे हैं, N1 क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसके पास, कितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम बॉन्ड पेयर को घटा दिए N3 को, तब हमको मिल जाएगा, यदि हम बात करते हैं चौथा नंबर में N4 निकाल लिए, N4 को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। अनशेयर्ड मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं किया बॉन्ड में, तो N4 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसका हाफ कर देते हैं, तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या मिलेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर। ये 4 चीज निकालना है, उसके बाद हम लोग किसी का स्ट्रक्चर को बना सकते हैं।
समझ में आया क्या बोले? अब देखो, अभी अभी तक एक चीज नहीं पता चल पाया जिसको हम लोग बोलते हैं कि बीच में कौन रहेगा, सेंट्रल एटम कैसे पता करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम एक तरह से होगा जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, कि फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम खोजना है। सबसे पहला काम है सेंट्रल एटम को खोजना। अब सेंट्रल एटम कैसे खोजेंगे, तो सेंट्रल एटम का कुछ क्राइटेरिया होगा। तो सेंट्रल एटम को हम शॉर्ट में CA लिख दे रहे हैं। तो ध्यान में रखना, सेंट्रल एटम क्या होगा? सेंट्रल एटम मे बी एटम विच इज लेस इन नंबर, जिसका संख्या कम होगा वही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। या फिर हम बोल सकते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अभी मेथड देखते जाओ सिंपली, जब लिखेंगे तब समझ में आएगा तुमको, सवाल से समझ में आएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हम लोग। तो सेंट्रल एटम मिल गया। अब सेंट्रल एटम मिलने के बाद, सेंट्रल एटम के बाद सराउंडिंग एटम भी बनाना पड़ेगा। तो दूसरा काम होगा लोकेट द सराउंडिंग एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के चारों ओर हम लोग बनाएंगे सराउंडिंग एटम। किसके हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स तुमको मिलेगा कहाँ पे? तो तुमको याद होगा हम लोग N3 कैलकुलेट किए थे हम लोग, याद है? अरे ऊपर में N3 कैलकुलेट किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। हाँ, तो उसके हेल्प से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि जितना भी एलिमेंट है सब ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहता है, सिर्फ हाइड्रोजन ही सबको, हाइड्रोजन लिथियम ही सबको छोड़कर। तो हम लोग फुलफिल करेंगे उसका ऑक्टेट, फुलफिल द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम। ठीक, और सबसे लास्ट फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, फाइनली कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, फाइनली कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग? हम लोग का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका है वैलेंस ऑफ एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखना, इतना तरीका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, तो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, जब ड्रॉ करते हैं तो देखो, सबसे पहला एक एग्जांपल मान लो लिए हम CO2 का, इसका लिए CO2 का। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं N1। ध्यान देना, N1 क्या होता था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। हमको पता है कार्बन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 6 तो नहीं होता, 6 नंबर पे है वो। कार्बन कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो पहला वाला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4। प्लस ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ऑक्सीजन है 8 नंबर। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा पहला सेल में, दूसरा सेल में हो जाएगा 6।
तो छह गुना क्या को ऑक्सीजन है, दो ठो, तो एन वन का वैल्यू हो गया 16, कितना हो गया 16। एन वन के बाद हम लोग क्या बोले थे, क्या कैलकुलेट करेंगे, एन टू कैलकुलेट करेंगे, और एन टू क्या बोले थे कि दो गुना करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम तो कुछ है ही नहीं, प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, तो अदर एटम का यदि हम बात करें तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो टोटल हो गया 3 एटम, तो एन टू कितना आ गया 24। अब एन टू के बाद क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, एन थ्री, एन थ्री क्या था, एन टू माइनस एन वन, एन टू हो गया 24 माइनस 16 हो गया 8। और एक चीज और कैलकुलेट करते थे हम लोग, जिसको हम लोग बोलते थे बॉन्ड पेयर, एन थ्री बाई टू, तो 8 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 4 बॉन्ड पेयर, 4 क्या हो जाएगा बॉन्ड पेयर। और एन फोर, एन फोर क्या होता था, एन फोर होता था एन वन माइनस एन थ्री, एन वन है 16, एन थ्री है 8, 16 माइनस 8 भी 8 हो गया। अब कैलकुलेट करते थे 2 से डिवाइड करके, जिसको हम बोलते थे लोन पेयर, क्या बोलते थे अरे क्या बोलते थे एन फोर बाई टू को, लोन पेयर। अब निकल गया बॉन्ड पेयर और निकल गया लोन पेयर। अब हम लोग को बेसिकली क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है इसका, बॉन्ड पेयर भी निकल गया, लोन पेयर भी निकल गया। तो सबसे पहला काम क्या होता था, सबसे पहला काम होता था कि खोजो, क्या खोजना था कि सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम कौन है यदि हम बात करते हैं तो देखो कार्बन सबसे कम संख्या में है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, कार्बन क्या हो गया सेंट्रल एटम। तो देखो कार्बन का सेंट्रल एटम हो गया, जाना ही था जाओ वहां पूछ लेना, फॉर्मूला लग रहा हो कि क्या क्या लिखे हैं, लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लग रहा होगा सिंपल चीज तो कैलकुलेट हो रहा है। अब देखो कार्बन सेंट्रल एटम हो गया तो हमको पता है कि ऑक्सीजन है, और टोटल किए गो बॉन्ड पेयर दिख रहा है यहाँ पे तुमको कितना दिख रहा है 4। तो देखो 4 को बॉन्ड बनाने का सोचना है हमको, कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर इधर वाला ट्रिपल हो सकता है, इधर वाला सिंगल हो सकता है, और कोई केस हो सकता है क्या ये बताओ पहले। नहीं। 4 को बॉन्ड बनाना था तो हम कर दिए 3-1, 1-3 या फिर 2-2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है? नहीं सर। क्योंकि तुमको देखो एक ओ के साथ 4 को नहीं बना देना है, कि कार्बन के साथ लिए हैं तो 4 को बना दिए एक ओ के साथ, तो फिर दूसरा कार्बन क्या, दूसरा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो हमको 4 ही को बॉन्ड बनाना था, तो ये तो बनेगा नहीं, तो 4 बॉन्ड बन गया, सेंट्रल एटम भी पता चल गया, सराउंडिंग एटम भी पता चल गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो, शिवानी अल्तमस कोई बोली नहीं रहा सर, एन टू बोलो समझ रहा है? नहीं नहीं, वो शिवानी कुछ पूछ रही है, क्या पूछ रही है बोलो। N2 बोले थे हो कि दो गुना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम करना है, जीरो लिखा हुआ है, जीरो वो मत समझ लेना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं है एक भी, तो 2 इंटू हो गया 0 प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ अदर एटम, एक कार्बन है और दो को ऑक्सीजन है, तो 2 प्लस 1 हो गया 3, 8 इंटू 3 24 हो गया, N2 निकल गया 24। हाँ, अब हम लोग क्या बोला गया था कैलकुलेट करने, फॉर्मल चार्ज, क्या कैलकुलेट करने बोला गया था, फॉर्मल चार्ज। अब देखना फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमको पता है कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होता है, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 गो है, तो 2 को तो पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड में,
चार को अभी भी बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? अरे देखो, दो को यहाँ पार्टिसिपेट किया है कि नहीं पार्टिसिपेट किया है? हाँ किया है। सेम उसी तरह कार्बन का चार को होता है, तो देखो कार्बन का चारों पार्टिसिपेट कर लिए हैं बॉन्ड में, और ऑक्सीजन का भी बचा हुआ है। क्या समझाया, समझ में आया? नहीं। तुमको समझ में आएगा भी नहीं। फॉर्मल चार्ज क्या होता था बताना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का हमको सबके ऊपर निकालना है फॉर्मल चार्ज अलग अलग। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। माइनस करना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के को दिख रहा है इस ऑक्सीजन का, देखो यहाँ पे दो को दिख रहा होगा, और के को अनशेयर्ड दिख रहा है, तो दो को यहाँ दो को यहाँ, तो चार को हो गया। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज रहना चाहिए, उस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहना चाहिए? नहीं समझ में आया? कितना चार्ज रहेगा वो? ये कार्बन है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा बन रहा है ना तो वहां पे नहीं दिख रहा अच्छा। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बताना, तो सिक्स। दो को यहाँ है। हाँ। के को बचा है अभी उसके पास? चार को। सिक्स है तो दो को पार्टिसिपेट किया था, के को बचा हुआ है चार। चार को। कार्बन का के को होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में चार को होता है। चार को होता है। कोई बचा हुआ है उसके पास? अरे कोई बचा हुआ है? नहीं। हाँ तो नहीं बचा हुआ। हमको फॉर्मल चार्ज मतलब सबके ऊपर चार्ज निकालना है कि प्लस है माइनस है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या बोले थे हम? बोले थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, माइनस करना है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और माइनस करना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? सिक्स। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? सिक्स। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है? टू। माइनस कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना पार्टिसिपेट नहीं किया है? फोर। फोर। तो कितना चार्ज आया इसके ऊपर? जीरो। जीरो। तो ऑक्सीजन जब भी दो बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे हम। सेम कार्बन का देख, इसका भी सेम उसी तरह हो जाएगा जीरो। कार्बन का देखना, कार्बन में के को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है चार्ज। माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के को है चार को। अनशेयर्ड के को है जीरो। जीरो को। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है CO2, यदि ऐसे लिखते हैं हम तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया, इसी को हम लोग बोल दिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? अब इसी तरह और दो गो है मेरे पास, देखो यहाँ पे अब इसका निकालना यदि है तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? एक। एक। इधर वाला ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? तीन। तीन। अब देख यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग यदि बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन के यदि हम बात करते हैं
तो कार्बन के पास कितना होता है, कार्बन का पहले निकाल लेते हैं, चार माइनस चार माइनस जीरो जीरो होगा, इसमें भी चार माइनस जीरो जीरो होगा या नहीं होगा? होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे देखना इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, ऑक्सीजन के पास देखना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे तुमको लग सकता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे हम क्या किए बेसिकली, यदि हम बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने कोशिश करना, फिर यहाँ पे हम समझाते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ था, ऑक्सीजन के ऊपर दो गो लोन पेयर बचा हुआ था, इसके पास भी दो गो लोन पेयर बचा हुआ था, हाँ या ना? हाँ। में क्या हुआ, हम इस बॉन्ड को तोड़ दिए, ऊपर वाला जो बॉन्ड दिख रहा है तुमको ऊपर वाला, ये इसको हम तोड़ दिए। तो जैसा हम जैसे हम इसको तोड़े, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चल गया। देखो बॉन्ड टूटा, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास चल गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर हो गया, तीन को हो गया कि नहीं हुआ? हाँ। या तो तीन को लोन पेयर लिखो या फिर माइनस चार्ज लिखो, कोई एक चीज लिख सकते हैं। तब तक इधर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब जो कार्बन होता है मेरा, वो कार्बन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यदि हम बात करें तो, प्लस चार्ज जब रहता है उसके ऊपर तो, ठीक। तो हम क्या किए, इस बॉन्ड को इस तरह से रोटेट कर दिए, मतलब इसके पास लोन पेयर था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, बोला कि लो इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन। और अभी हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, जो देगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, प्लस, और जो लेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, माइनस। पहले से कार्बन में प्लस चार्ज था, प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ, नहीं हो जाएगा, होगा, मतलब तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन गया। देखो कार्बन ओ, इधर ओ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और इस ऑक्सीजन पे इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो यदि तुम CO2 का ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाई तब तो ठीक है, तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, लेकिन जब हम E वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, तो तुमको इस कार्बन पे दिखेगा कोई चार्ज नहीं, और इस ऑक्सीजन पे दिखेगा प्लस, और इस ऑक्सीजन पे दिखेगा माइनस, सेम उसी तरह इस पे दिखेगा प्लस और इस पे दिखेगा माइनस दिखेगा। अब बात आ रहा है कि कैसे होगा, तो सिंपली देखो ऑड नंबर कभी भी नहीं बचता है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बचेगा। तो देखो इसका निकालना होगा, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है छह, कितना होता है छह, और एक पार्टिसिपेट कर लिया इलेक्ट्रॉन, अब माइनस। अभी भी तुमको दिखाए थे वहां पे कि कितना लोन पेयर बच जाएगा उसके पास, तीन को बच जाता है ना एक बॉन्ड बनने के बाद भी, कि नहीं, तो मतलब छह इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, माइनस आया, और इसके ऊपर यदि हम बात करें तो छह था, तीन बॉन्ड बना लिया है, और बॉन्ड बनाने के बाद भी तुम देखो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, दो को बचा हुआ है ना ये वाला, कि नहीं, तो दो, तो दो माइनस कर दिए, तो कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, प्लस वन, कितना चार्ज आया, प्लस वन। तो सेम उसी तरह यहाँ पे सिक्स माइनस थ्री माइनस टू, जिसके ऊपर आ जाएगा प्लस वन, और इसके ऊपर सिक्स माइनस वन माइनस सिक्स आ जाएगा माइनस वन। इस तरह से हम लोग बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? हाँ सर।
सर सब कोई चला गया। ठीक है जाने दो ना, तुमको समझ में आया? हाँ। तुमको भी जाना है क्या? नहीं। तो फिर तो इस तरह से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। CH4 में देखना। पहले कैलकुलेट करेंगे N1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का है 4, और हाइड्रोजन का कितना है 1, N1 हो गया 8। इसका निकालते हैं N2, हाइड्रोजन रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई और अदर रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 + 8 हो गया 16। फिर कैलकुलेट करते हैं N3 क्या होता है N2 - N1, तो 16 - 8 हो गया 8। इसका आधा करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 जो होगा वो मेरा होगा बॉन्ड पेयर। फिर निकालेंगे N4। N4 क्या होता है N1 - N3, तो N1 - N3 हो गया 8 - 8, 0, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं होगा, एक भी लोन पेयर नहीं होगा। नहीं, देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 गो, और 4 गो बॉन्ड बना, और हाइड्रोजन 4 गो है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपली 4 बॉन्ड बना लिया है। यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया? 4। 4 बॉन्ड बन गया। अब हमको सबके ऊपर चार्ज दिखाना है। लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, ऐसे तो सब हो चुका है, लेकिन फिर भी फॉर्मल चार्ज निकालना है तो निकाल के देख लो। हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, 1 बना लिया बॉन्ड, लोन पेयर 1 भी नहीं, मतलब अनशेयर्ड 1 भी नहीं, तो ये हो गया 0। तो इसके ऊपर भी चार्ज 0, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0। कार्बन का देख लेते हैं, 4 होता है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बना लिया, बचा 1 भी नहीं, तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो इस तरह करके बन गया CH4 का स्ट्रक्चर। समझ में आया? हाँ सर। कि नहीं आया? आ गया। सेम इसी तरह मान लो तुमको बोल दिया H2O का बनाने, तो H2O, तो पहले कैलकुलेट करना है N1 हो जाएगा 1 × 2 प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 + 2 हो गया 8। N2 फिर कैलकुलेट करेंगे, N2 क्या होता है 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 × अदर, तो 4 + 8 हो गया 12। फिर N3 कैलकुलेट करेंगे N2 - N1 तो हो गया 4, तो N3 का आधा करना पड़ता है, तो 4/2 करेंगे तो मिलेगा 2, जो बताएगा हमको बॉन्ड पेयर। फिर निकालेंगे N4, N4 क्या होता है N1 - N3, मतलब 8 - 4 हो गया 4, N4 का आधा करेंगे तो जाएगा 4/2, मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया 2, जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होगा। अब हमको 2 को बॉन्ड पेयर बनाना है, तो 2 को हाइड्रोजन है तो 1 को 1 को जोड़ दिए, 2 को लोन पेयर बनाना है तो 2 को लोन पेयर किस पे होगा? ऑक्सीजन के ऊपर होगा। कोई चार्ज यदि कैलकुलेट करना होगा तो हम हाइड्रोजन पे कैलकुलेट कर चुके हैं, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ऑक्सीजन पे भी हम बताए थे कि जब 2 बॉन्ड बना लिया तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो किसी के ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया।
अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर, आया। सही में आ गया ना? हाँ सर। सर जिस पर चार्ज रहेगा वो क्वेश्चन बताइए ना। जिस पर चार्ज रहेगा वो क्वेश्चन बताए, मतलब ओ NH4 प्लस का एग्जांपल ले लो। N1 कितना होगा इसमें? नाइट्रोजन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन का होता है 1। तो माइनस करने बोले थे यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो N1 हो गया 8। N2 कितना होगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का एटम प्लस 8 इंटू अदर एटम, 5 प्लस 8 हो गया 16। N3 हो जाएगा N2 माइनस N1, 16 माइनस 8 कितना होता है? 16 माइनस 8 होता है 8। इसका आधा करेंगे 8/2 हो गया 4। 4 बॉन्ड पेयर N4। N4 क्या होता है? N1 माइनस N3। तो 8 माइनस 8 लोन पेयर हो गया 0। सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, 4 को बनाना है हमको बॉन्ड पेयर, तो 4 को बना दिया बॉन्ड, लोन पेयर एक भी नहीं। तो हमको चार्ज कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है कि हाइड्रोजन ही सब के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो नाइट्रोजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। अनशेयर्ड कितना है? 1 भी नहीं। तो कितना चार्ज आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? प्लस हो गया। हो गया, आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ तो सिंपल सी बात है, यदि तुम्हारा यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे तुमको सिर्फ ऐड करना है और तू थोड़ी ना कुछ करना है, बाकी सब तो सेम है। हाँ सर।